सऊदीया में नेशनल डे है रे, छुट्टी होएगा रे 3 दिन 4 दिन 2 दिन। तुमने टीचर के पास बैठो तो टीचर के जैसा सोचने लगो। 10 मिनट बिजनेसमैन के पास बैठो तो बिजनेस तुम्हें सीखना आ जाए। 10 मिनट लेडीज़ के पास बैठो तो लेडीज़ के दिमाग चलना लगे, तुम्हारे पास चलने लगे। 10 मिनट बच्चों के पास बैठो तो बच्चों के जैसा सोचने लगो। दूसरी बात, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, अगर अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो, 10-15-20 हज़ार 50 हज़ार 40 हज़ार कमा रहे हो, तो तुम पर बहुत सी निर्भर हो जाएंगे। किसी कोई दोस्त तुम्हारा होगा, या कोई चाचा होगा, या बाबा होगा, या भाई होगा, भौजाई होगा, अगर वो तुमसे 2-4-10 हज़ार रुपये मांग लेता है हर महीने, या दूसरे महीने में कभी इमरजेंसी लग गई कि यार 2 हज़ार रुपया दे दो, 4 हज़ार रुपया दे दो, अगर तुम उसको टाइम दे दिए तो वो सारे मोहल्ले, सारे रिश्तेदार में, सारे इलाके में वो तुम्हें बताता रहेगा कि फलाना साहब, फलाना भाई बहुत अच्छा आदमी है, बड़ी तारीफें करेगा तुम्हारा, बड़े गुण गाएंगे तुम्हारे। जिस दिन तुमने उसको मांगा और नहीं दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दे सकता, उस दिन से अगर तुमको 80% तुम्हारी उसने मार्केट में तारीफ़ किया था, तो वो 110% वो तकरीबन तुम्हारी बुराई करेगा मार्केट में। फला आदमी बहुत बेकार है, अभी तक वो कह रहा था कि बड़ा अच्छा है, अब जब उसको नहीं मिले तो वो ये कहना शुरू कर देगा कि सबसे बेकार आदमी है, सबसे निकम्मा आदमी है, सबसे गया गुजरा आदमी है, समाज में सबसे बेकार आदमी है। तो इसके मतलब ये हुआ कि वो स्वार्थी आदमी है, आज के दौर में स्वार्थी आदमी है। घर जाए तो ठीक है, नहीं घर जाए तो फिर चलते रहो और उनके हिसाब से देते रहो। अगर नहीं दिया तुमने तो वो तुम्हें बुरा मान जाएंगे कि भाई मुझे तो देते नहीं है। ये दुनिया में ऐसे ही चलते हैं लोग, अपनी गर्ज निकालने के लिए एक दूसरे को वो तुक्के लगा लेंगे, रो लेंगे, गा लेंगे। बहुत से आदमी हैं जो उसको ड्रामा नहीं आता है, और बहुत से आदमी हैं जो ड्रामा कर लेते हैं तो उनका तुक्का चल जाता है। अगर ना दो तो वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, भाई नहीं देते फले आदमी, इतने मक्कार लोग हैं। लोग दिन भर में, अभी बारिशों के सीज़न जब आता है तो लोग दिन भर में भगवान को, अल्लाह को कितनी गालियाँ देते हैं। बारिश का जब सीज़न चलता है कितनी गालियाँ देते हैं, स्वार्थ के लिए गाली देते हैं। बारिश का महीना है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ऊपर वाले को, अल्लाह भगवान कितना बारिश करवा रहे हो, न जाने कौन कौन गाली बकेंगे। और अगर बारिश ना हो तो बोलेंगे भगवान कहाँ बैठे हो कि जो बारिश नहीं हो रही है। अब वो कह नहीं सकते, इतनी सख्त लफ्जों में गाली बकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतनी स्वार्थ है, मतलबी इंसान दुनिया चल रही है कि हर ज़रूरत के हिसाब से उनके वो चीज़ होना चाहिए। अगर आज ज़रूरत है 10 रुपये की तो आज ही होना चाहिए, तुमसे कुछ नहीं मांग लिया। ना कहो किसी को, ना तुमने कह दिया तो तुम्हारी बुराई हो गई। ऊपर वाले को, अल्लाह भगवान को ये नहीं बख्शते कहो तो इंसान को कहाँ से बख्शेंगे, इतने ये जालिम लोग हैं। बारिश टा अभी बोल दें कि बारिश हो जाए तो बड़े खुश, ज़्यादा बारिश हो जाए तो तकलीफ, ना बारिश करे तो बोलेंगे भगवान बारिश ही नहीं कर रहा, अल्लाह बारिश नहीं कर रहा है। बहुत मतलबी दुनिया है, इतनी मतलबी दुनिया है कि हम क्या तुम्हें बताते हैं।